हमारे साथ कई खास मेहमान इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कि आखिरकार इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है और क्या यात्रीगण अपनी सुरक्षा स्वयं करें। यह एक बड़ा सवाल इस हादसे के बाद से खड़ा हो रहा है। हमारे साथ डीके दुबे मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कीर्ति आजाद टीएमसी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हैं, सारिका पासवान आरजेडी की तरफ से हैं और वीके अग्निहोत्री पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर बीके खन्ना जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल यहां पर डीके दुबे मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि अब तक क्या कोई ठोस जानकारी मिल पाई है कि इस हादसे की वजह क्या रही और हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 261 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है इस हादसे की वजह से। डीके दुबे, हादसा तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिन परिवारों की कैजुअल्टी हुई है उनके लिए बहुत संवेदना, पूरा देश उनके साथ है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले से कह पाना मुश्किल काम है। एक इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया गया, एसआईटी बैठी हुई है जो मुझे लगता है कुछ अधिकारियों की है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है, अभी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर है कि किसी न किसी का फॉल्ट तो है ही, और जिसका फॉल्ट है उसको जिम्मेदारी के साथ मुझे लगता है कि एक्शन भी होगा। लेकिन ये दुर्घटना है और दुर्घटना का अभी मुझे लगता है कि इस स्टेज पर कुछ कहना मुश्किल है। देखिए, स्टेज पे कह पाना कुछ मुश्किल है डीके दुबे का कहना। मैं वीके अग्निहोत्री के पास चलता हूं क्योंकि रेलवे बोर्ड के मेंबर रहे हैं। वीके अग्निहोत्री जी, आप इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, आपकी जानकारी के मुताबिक क्या वजह हो सकती है, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? इसमें जो भी न्यूज आइटम आ रहे हैं वही से हम लोगों की नॉलेज बन रही है, और न्यूज के मुताबिक पहले कोई बोगी डिरेल हुई है, तो ये बोगी का डिरेल होना जो है ये एक बहुत ही अहम इशू है, और इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि पीछे कोई एक्टिविटी नहीं हुई है कि पटरी जो है वो सही है कि नहीं है, इस पे कोई भी न्यूज नहीं आती है, क्योंकि पहले पटरी का बड़ा मुआयना होता था और पटरी हर महीने और हर दो महीने में अच्छी तरह चेक करी जाती थी। वो एक्टिविटी अभी दिखता है बंद है, सिर्फ ट्रेन चलाने के ऊपर अहमियत है और पटरी क्या है उसी कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। तो पटरी तो खराब होगी जब उस पर ट्रेन चलेंगी, तो उसको मेंटेन करना भी जरूरी है, और डिरेलमेंट तभी होता है जब पटरी और पहिए के बीच का फोर्स बढ़ जाता है जी। तो वो तभी बढ़ता है कि जब कहीं पे डिफेक्ट होता है पटरी में या पहिए में जी। चलिए, मैं ब्रिगेडियर बीके खन्ना के पास चलता हूँ क्योंकि राहत बचाव कार्य इस वक्त बड़ी प्राथमिकता पूरे सरकार की तरफ से भी यही दिखाई दे रहा है। ब्रिगेडियर बीके खन्ना, ये जो हादसा हुआ है अभी, हालांकि जो जानकारी मिली है कि राहत बचाव कार्य खत्म हो चुका है, लेकिन जो तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जब थोड़ी देर पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे, तो मैं आपके पास आता हूं बीके खन्ना, लेकिन उससे पहले मैं कीर्ति आजाद के पास चलता हूं। कीर्ति आजाद, ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंची थी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, क्या जानकारी आपको आप लोगों को मिल पाई, क्या ममता दीदी को वहां लोगों ने बताया कि क्या वजह है? वजह का तो बाद में पता लगेगा, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि जो ट्रेन कोल्यूशन अवॉइडेंस सिस्टम होना चाहिए, जो कवच होना चाहिए, वो ट्रेन में नहीं थी। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा कवच के बारे में बात करते रहे और हम वीडियो देखते रहे हैं, उसमें यह बात सामने आई है कि कुल, अग्निहोत्री जी मुझे सही करें अगर मैं गलत हूं, कि भारतीय रेल की 68,043 किलोमीटर इनकी लंबाई है जो पूरी सब जगह पर बिछी हुई है रेल की लाइनें, और उसमें केवल 1,445 जगह पर यह कवच सिस्टम आप काम करता है और दूसरी जगह कहीं काम नहीं करता। तो आप सोच समझ सकते हैं कि किस प्रकार से रेलवे का बजट 2017 के बाद बंद किया गया, और अभी अग्निहोत्री जी ने बताया कि बोगी डिरेलमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हर महीने दो महीने पर चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों जो सवार रेल के हैं वो जाते हैं, इसका पूरा मदद लेते हैं रेलवे से, इनको अपना सहूलियत होती है देश भर घूमने के लिए, और ऐसे में अगर डिरेलमेंट हो
और दूसरा अगर एंटी कोल्यूजन लगा होता सिस्टम, कवच सिस्टम जो बता रहे हैं, तो दूसरी ट्रेन दूर ही रुक जाती, लेकिन वो रुकी नहीं और तीन तीन ट्रेनें वहां टकरा गई। तो इससे साफ पता लगता है कि ये समन्वय का अभाव है, ये सिस्टम फेलियर है। और हमें इतना याद है गैसल में हुआ था, तब नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दिया था 1999 में, फिर 2000 में ममता बनर्जी ने जब एक्सीडेंट हुआ तो दिया था। लेकिन यह मैं यहाँ पर मांग करता हूँ कि रेल मंत्री को भी मॉरल उस पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। कीर्ति आजाद, क्या पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई मदद की पेशकश अब तक की गई है? क्या कोई मुआवजे का ऐलान या किसी और प्रकार की मदद का ऐलान, या जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची, आपके क्या कुछ कार्यकर्ता भी वहां मदद के लिए मौजूद हैं? अवश्य मौजूद हैं, 70 एम्बुलेंस वहां पे गई हैं, हमारे कल 40 गई थी, आज 70 एम्बुलेंस गए हैं। कीर्ति आजाद, प्रधानमंत्री मोदी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, घटना स्थल पर पहुंचे, इससे पहले रिव्यू मीटिंग की, क्या कहेंगे आप? सरकार पूरी तरह से यहां पर सक्रिय दिखाई दे रही है और सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्राथमिकता है कि लोगों को जल्द से जल्द बेहतर इलाज मिले और स्वस्थ हो। यह सब होता ही नहीं यदि रेलवे ने इसका ध्यान रखा होता। बोगी डिरेलमेंट एक बहुत ही गंभीर मामला होता है और ट्रेनें चलती हैं रोज, हजारों ट्रेन चलती हैं लाइनों के ऊपर, लाखों ट्रेन पूरे देश में अलग अलग इलाकों से चलती हैं और दूसरे इलाकों में जाती हैं। तो यह तो सबसे बड़ा आप कहा जाएगा कि समन्वय नहीं और साथ में सिस्टम फेलियर है बहुत बड़ा। 2016 में भी ये एक्सीडेंट हुआ था जब पटना इंदौर एक्सप्रेस गिरी थी और 115 लोग मरे थे, ये उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा है। बीच में वंदे भारत के तो 68 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जिसमें तीन एक के बाद एक हुए थे और जानवर ही उसमें लटकते रहते हैं। इनका कहाँ है सुरक्षा कवच? यदि सुरक्षा कवच होता तो दो ट्रेनें आपस में मिलती नहीं, भिड़ती नहीं, आमने सामने से आ रही थी, अगर एक का एक्सीडेंट हुआ तो दूसरी रुक सकती थी। लेकिन इसके अंदर पूरी उदासीनता दिखी है केंद्र सरकार की, बजट बंद कर दिया गया है, जितने लोग हैं रेलवे के अंदर लगभग 4.5 लाख वैकेंसियां पड़ी हुई हैं, जो मैंड होते हैं जहां पर आदमी लोग खड़े होकर के रेलवे क्रॉसिंग होते हैं, वो रेलवे क्रॉसिंग पर लोग नहीं है। आज यह परिस्थिति रेलवे की आ चुकी है कि कोई इसका वाली बारिस नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई बजट नहीं है। जो बजट पहले हुआ करता था वो खत्म हुआ हो चुका है। आपने पूछा ममता बनर्जी आई थी, जी हाँ वो आई थी, उन्होंने लोगों से मिला, अपना संवेदना प्रकट किया। कल 40 एम्बुलेंस आए थे, आज 70 एम्बुलेंस आए हैं, डॉक्टर और नर्सेज हमने भेजे हुए हैं। रेलवे की तरफ से 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और हमारी तरफ से ममता बनर्जी ने कहा है कि जो हमारे बंगाल के रहने वाले हैं उनको सबों को 5-5 लाख रुपए देंगी, 50,000 जो गंभीर रूप से घायल हैं और 5,000 उनको जो कम। देखिए बिल्कुल कीर्ति आजाद, इस वक्त राहत बचाव कार्य, लोगों को इलाज और मदद ही प्राथमिकता होनी चाहिए, शायद राजनीति प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, और इस बात का आप भी बेहद ख्याल रखेंगे, आपकी पार्टी भी रखेगी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस बात का ख्याल रखेंगे। मैं सारिका पासवान के पास चलता हूं, आरजेडी की प्रवक्ता है। सारिका पासवान जी, आपकी पार्टी के भी तमाम नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या लगता है किस वजह से यह हादसा हुआ है और क्या इस मौके पर कोई राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए? देखिए जिस तरीके से तीन ट्रेनें एक साथ टकराई हैं, वो दृश्य जो है निश्चित रूप से हृदय विदारक है और वो विचलित करने वाली तस्वीर है जो देख रहे हैं। और अभी तक जो आ रहा है डेटा आ रहा है सरकारी आंकड़ों के अनुसार से लगभग 261 लोगों की मृत्यु और 600 से 700 लोगों की घायल तरीके से घायल है, वो गंभीर रूप से घायल है, ये आंकड़े है सरकारी। मुझे लगता है कि इससे भी ये संख्याएं हो सकती है वो इतर आगे हो सकती है, ज्यादा होंगी निश्चित रूप से, क्योंकि जो दृश्य दिख रहा है वो अलग ही है। हमारी मांग है कि जो घायल हैं उन्हें सरकार जो है वो 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दे और साथ ही साथ जो मृतक हैं उनके परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी भी है कि जो ट्रेनों में जो सुरक्षा कवच की बात अभी हमारे कृति सर भी बोल रहे थे, जो एंटी कोलाइजन डिवाइस जो है वो ट्रेनों में ना होना अपने आप में ये सिस्टम का फेलियर, मंत्रालय की गलती, और रेल मंत्रालय और रेल मंत्री को भी जिम्मेदारी बनती है कि वो नैतिकता के आधार पे, इसके पहले भी देखिए जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब रेलवे मिनिस्टर थे और उस समय जब इस तरह की दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस पद से त्याग दिया था, और ममता बनर्जी ने भी जब वो रेल मिनिस्टर थी और उन्होंने भी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के अपने पद का त्याग दिया था। तो अभी भी ये होना चाहिए कि रेल मिनिस्टर जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी।